हाय गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे। हमारा होस्ट सो रहा है। ओ तुझे पता मुझे कौन मिला एयरपोर्ट पे एकदम से? मिला स्टीव, ओ मदर ऑफ ऑल कोइंसिडेंसेस। मेरे सामने से जा रहा था, मेरे को पीछे लगा कि स्टीव है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही घूम रहा था तो हम मिलने वाले थे। मैं उससे बात करी थी, तुझसे मिलूंगा। उस टाइम पे बनी नहीं, कहता यार मैं भी कहीं घूम रहा हूँ, तू भी नहीं है। फाइनली वहाँ मिल गया। मैं सामने से जा रहा था, एक फटा हुआ बैग लेके फैब इंडिया में घुसा, कहता भैया सेफ्टी भी नहीं क्या ये? नहीं वो हाँ कल का था ना, भूख लगी है, मुझे भी भूख लगती है। जो तू अभी कर रहा है वो मैं दोपहर में कर रहा था। ये देख इसको देख, लियाज, व्हाट इट इज, लियाज। आज मैंने लियाज टी शर्ट देखी तो मुझे याद आ गया, तू बोलता था किसी ने ऐसे टी शर्ट में लिखा होता लियाज, देख रहा है? सब सबकी नजर इस पे जा रही है वैसे। ये विंबलडन वाला भाई हाई क्लास चीज लाया एकदम भाई। कोलकाता वालों की क्लास तो है, मान गया। एक स्वेट शर्ट पहन के आया था, अमेरिकन वाली जो ब्राजील का स्टेडियम है उसकी स्वेट शर्ट। अरे बड़ा इंट्रीग हो रहा था तो इसके ऊपर ना इसे हाथ वेव करो, वेट करो, थोड़ा पास से करो, नहीं ऐसे करो बेटा ऐसे, हाँ ग्रीन में ना खुलेगा। क्या आदमी है भाई, क्या है भाई, क्यों है, क्यों है वो? वो स्पेशल सेल लाया हूँ इसको शो ऑफ करने के लिए भाई। ऐसे पैर वाला लाता है ना, 100 रुपए का आता है तुम्हें? 500, 300, 500 का डस्टबिन। हाँ 400 भी महंगा है यार, डस्टबिन तो 45 के डस्टबिन आ जाते हैं। अब हु इज दिस गर्ल, हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस हॉट बॉय? यो यो यो, प्राइस गिविंग सेरेमनी इन द ऑर्डर ऑफ सुपीरियरिटी। सबसे पहले स्वीजन को मिलेगा गिफ्ट। स्वीजन चलो अब आप खोल के गिफ्ट रिएक्शन दो जल्दी से। दो नटक्रैकर आ गया। अब सही है, जिन जिनको पता नहीं बंगाली है पर क्या पंजाबी गाने गाता है। हाँ गिटार ही लाया। ये तो हरा रंग का है, बाय ग्रीन यार, बाय ग्रीन। ये तैयार क्यों हो रहा है इसको खोलने के लिए? इससे पता लगता है बंदे ने पार्टी यहाँ की है। क्या है ब्लूटूथ स्पीकर? मुझे हमने वो नहीं लगाई, जिप टाई नहीं लगाई स्विगी की तरह। पैकिंग एक्चुअली बहुत जबरदस्त है, मेरे को भी लगा बड़ी सही है। आराम से भी उड़ना जाए कहीं निकल पे जाए। ये इसने अपनी पर्सनल कंजम्पशन बोल के मंगवाई है। ऐसे ये थोड़ी है, ये कौन है? रैशो, शी इज रैशो। रैशो ये वही है भाई, 3 साल से वेट करा है भाई, मुझे मानना पड़ेगा। और उस रात को खोल भी थी यार। YouTube पे दिया बंगाली दिया, मैं डालूंगा हाउ टू ओपन अ लॉक। ये ताले तोड़ रहा हूँ, ये तिजोरियां खोल रहा हूँ।
अपने बैंक में। जिसको पता नहीं है तो बैंक में काम करता है, लॉकर खोले और स्ट्रीट स्मार्टनेस सबसे लोएस्ट में और जाता है कोर पास पे। ऐसी ऐसी ये देख अब इनको नहीं पता क्या है। यार मैं सोच रहा तुझे हिंदू तेरा हेडफोन लाने के लिए मैंने नहीं छोड़ यार। अब पार्टिसिपेशन प्राइस सबके लिए तो एक यार सीजन ये सबके लिए खोल दो यार। तो क्या हुआ? और भूमिका आप ये खोल लीजिए सबके लिए। और गौरव आप तो बहुत ही बढ़िया है, तो आपको दो मिलेंगे खोलने के लिए, आप ये दोनों खोल दो। अरे अरे ये फ्लेक आ गई और ग्रुप कंजम्पशन। अभी मीठा मीठा भाई ये ना ये है यूके की स्पेशलिटी, ये क्रिसमस में बनती है, तुम्हारे लिए लेके आया। उसको बोलते हो मिंस मीट, पता नहीं मीट तो नहीं होता शायद, इसमें वो होता है लिकर, लिकर होती है, शराब होती है, रम होती है, रम चेकडिन में डाला। चेकडिन में एक्चुअली ना 10 लीटर ला सकते हैं बिना वो करे, बट वेट बहुत बढ़ जाता है भाई। मेरा ओवरवेट हो गया था 4 किलो, मतलब ये डोमेस्टिक फ्लाइट में यहाँ आने के लिए। तो एक मैडम थी, मैडम को मैंने ऐसे फिसला फिसला के 4 का 1 करा दिया ऐसे, यू नो मेरे चार्म्स देखे तुमने, एक चार्मिंग पर्सनालिटी। क्या दे तो मैंने दिया कुछ याद है, लड़की के पापा ना उनका हॉस्पिटल था पहले कोई, तो वो हॉस्पिटल धोखा दिया था, धोखा दिया था, धोखा नहीं कुछ ऐसे ही वो प्रोफेशनल डिफरेंसेस। नहीं मतलब क्या यार अलका याने ऐसे लगता है बस ऊपर के पिच में गाती है एकदम। गाँव में कॉपीराइट आ जाता है। Hi guys, so this is the next day. ये क्या कर रहे हैं? अच्छा कुछ कर रहे हैं। Hi guys, so this is the next day. हमारा होस्ट सो रहा है, खराब में मार के उसने कुछ ज्यादा ही पी ली, उसे उठा नहीं जा रहा। हमारा होस्ट इज डाउन, इज पास्ड आउट। हम तीन उसके लिविंग रूम में क्लॉथ वाली बॉल के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और मेरा शर्ट कलर और मेरा सो फिर अब हम रायपुर में आ गए हैं। यहाँ हम एक मॉल आए थे, शॉपर स्टॉप गए पहले मैं और मम्मी पापा, और उसके बाद हम गए बिग बाजार। ये मम्मा बिग बाजार में बैठी हैं। ये हमारी बिग बाजार की शॉपिंग है, हमें दिखाना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स कैसे शॉपिंग करते हैं बिग बाजार में। ये हमारे 3 बिल है एक बार की शॉपिंग में, 4168 ठीक है, 739, 1028 और 3057। मेरा बहुत मन था मैकडोनल्ड्स वाले वेजेस खाने का, तो हम मैकडोनल्ड्स आ गए। आपका क्या है? कुछ बोलो तो। नींबू फिज। और आपका? नींबू फिज। मेरा कोक वेजेस। यूके में ना ये नहीं मिलता है चिली सॉस, वहाँ पे ये रेगुलर वाले मिलते हैं, वो भी पैकेट्स में नहीं मिलते, ऐसे डालने होते हैं। मैं वहाँ ये बहुत मिस करती हूँ चिली सॉस, यहाँ मैं हमेशा मंगवाती थी साइड में। मेरी और अभिनव की एनिवर्सरी थी इसलिए मामा मुझे केक बुलाने के लिए लेके आई, एंड यहाँ पे बहुत सारी अच्छी वेराइटी थी केक की, जिसे देख के मैं काफी इम्प्रेस हो गई। और ये था पिंटू ढाबा, मेरे पापा का फेवरेट, एंड यहाँ मामा देख रही थी वो वीडियो जो अभिनव ने मेरे लिए सरप्राइज दी थी। कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। चलो
ये वही वीडियो फिर से मम्मी बाहर आते हुए भी देख रही है, अंदर जाते हुए भी। और ये पिंटू ढाबा का फेमस अफगानी पनीर रोटी एंड प्याज विद ग्रीन चटनी जो मुझे बहुत पसंद है, एंड साथ में था मेरी नानी और मेरे नाना। बाबा आपके लिए मटन लाए हैं, आपके लिए मटन लाए हैं, आपको मटन खाना था ना। और ये पनीर टिक्का मसाला एंड साथ में चिकन भी था, लेकिन वो मैंने नहीं खाया, मैंने सिर्फ उसकी ग्रेवी खाई, ये री ग्रेवी। फाइनली मेरी प्लेट कुछ ऐसी लग रही थी। ये बिग बाजार वाली शॉपिंग में से एक चीज थी जो पापा ने जबरदस्ती मुझे प्रेशर कुकर दिलाया। ये तो ऐसे ही रहने दीजिए ना, ऐसे ही नहीं, ये इसने वो करना है, इसने इसको एक बार देखना है सीटी बचती है कि नहीं करती। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके पास नया है लेकिन उसमें सीटी नहीं बचती। हमारे यूके वाले प्रेशर कुकर की सीटी नहीं बचती है, उसमें प्रॉब्लम है। तो 12 बजे रात के मेरे पापा और मेरे नाना वेट कर रहे थे पानी भर के प्रेशर कुकर में कि सीटी बजेगी या नहीं, बजेगी या नहीं बजेगी। पानी आ रहा है, इसका मतलब बजेगी बाबा। और फाइनली सीटी बज गई।